एक मित्र ने पूछा है कि ध्यान में बैठते ही अनामंत्रित स्मृतियां हमला बोल देती हैं, मैं क्या करूं? पहले तो यह समझ लें कि वह अनामंत्रित नहीं है, ये बिन बुलाई मेहमान नहीं है। इन स्मृतियों को हमने लंबे समय से पाल पोस के अपने भीतर रखा है। हाँ, ये अलग बात है कि हम कभी शिथिल नहीं होते, अपने भीतर नहीं जाते, तो हमें पता नहीं कि वहाँ क्या क्या कचरा कूड़ा पड़ा हुआ है। कई लोगों के मकान में होता ना, एक बेसमेंट अंडरग्राउंड, जहाँ पर कचरा कूड़ा, पुराना टूटा फूटा फर्नीचर इत्यादि फेंकते जाते हैं, ये सोच के कि कभी काम आएगी कोई चीज़, रखते जाते हैं, यद्यपि कुछ काम आता नहीं। वहाँ कभी जाते नहीं, वहाँ कभी साफ सफाई नहीं करते, वहाँ छिपकलियाँ हैं, मकड़ियों ने जाले बना लिए हैं, चूहे दौड़ रहे हैं, काकरोचों का अड्डा है, कई सामानों में दीमक लग गई होगी, इनको पता भी नहीं। इन्होंने ऊपर ऊपर अपना ड्राइंग रूम साफ सुथरा कर रखा है, जहाँ आमंत्रित लोगों से मिलते हैं, लेकिन इनके घर का एक हिस्सा और है, कबाड़ खाना, सब प्रकार की गंदगियों से भरा हुआ। ठीक ऐसे ही हमारा चेतन मन और अवचेतन मन है, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो हमारा बैठक कक्ष है, जहां हम अतिथियों से मिलते हैं, वो साफ सुथरा दिखावटी, और एक भीतर बड़ा भंडार है। ऐसा मत सोचो कि वहाँ अनइनवाइटेड मेमोरीज हैं, वो सब तुम्हारे पिछली जिंदगी में घटी हुई घटनाओं की याददाश्त हैं। वो कहाँ जाएंगे, वो भीतर मौजूद हैं। हाँ, ये बात अलग है कि तुम कभी वहाँ नीचे जाते नहीं। अब जब तुम ध्यान में शांत होते हो, शिथिल होते हो, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें पता चलेंगी जो तुम्हारे भीतर हैं। बस यहाँ रुक मत जाना, इसके भी पार जाना है, इससे गुजरना होगा, अन्य कोई उपाय नहीं है। अब इनके प्रति दृष्टा भाव अपनाओ, ऐसा मत समझो कि ये मेरी हैं, मुझे इनसे कुछ लेना देना है, इनमें कुछ हेर फेर करनी है। एक दृष्टा की भांति माना कि तुम्हारी जिंदगी की ही पिछली फिल्मों की कटिंग्स हैं ये, लेकिन अब वो बहुत दूर हो गई घटनाएं, अब तुम रेट्रोस्पेक्टिवली ऐसे देख सकते हो जैसे किसी और की जिंदगी की घटनाओं को देख रहे हो, किसी और के जीवन पर आधारित तो उपन्यास के पेजों को पढ़ रहे हो। जब वो घटनाएं वास्तव में घटी थी, तब तुम उनमें इन्वॉल्व हो गए थे, अब इंडिफरेंट होकर, उपेक्षापूर्ण होकर सजग हो सकते हो, और तब एक नए बिंदु का जन्म तुम्हारे भीतर हुआ, दृष्टा चैतन्य का, जो कि इन स्मृतियों से निर्लिप्त है, अस्पर्शित है। अब तुम जल में कमलवत हुए, और तब अचानक उन स्मृतियों का सारा प्रभाव तुम्हारे ऊपर समाप्त हो जाता है। स्मृतियां हैं, वो अपनी जगह रहेंगी, लेकिन तुम अब उनसे प्रभावित नहीं होगे। धीरे धीरे यह दृष्टा चैतन्य और स्पष्ट, प्रगाढ़, सघन होता जाएगा, तुम्हारी कॉन्शसनेस बढ़ रही है, और नेचुरली जो सब कॉन्शस था वो घटने लगा, अब तुम सुपर कॉन्शसनेस में जाने लगे। जो कि कॉन्शस और सबकॉन्शस दोनों के पार है, तुम उनका अतिक्रमण कर गए। तो उपाय है साक्षी भाव, बस इसी उपाय को अपनाओ, दृष्टा बनो, स्मृतियों में इन्वॉल्व मत हो।